ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 4। पहला टॉपिक है बाप दादा की नजरों में हमारा स्वमान क्या है। बाप दादा बच्चों को स्वयं तेरी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते ही बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन अति इंद्रिय रूप में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1977। अगला टॉपिक है स्वमान से श्रेष्ठ जीवन के समर्थित स्वरूप की प्राप्ति। जाने जाननहार तो बने हो लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं। वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं। अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ जीवन के समर्थित स्वरूप बने। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 दिसंबर 1978। अगला टॉपिक है बाप दादा की स्वमान की दृष्टि। बाप दादा सदा अपने सिकिलधे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पद्म भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमूलक रत्न समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया दिल तख्त नशीन बनाया नैनों के सितारे बनाया सिर का ताज बनाया विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। जिस नजर से बाप दादा देखते व विश्व देखता उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1978। अगला टॉपिक है बाप समान अर्थात स्वमान धर्म। जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित है इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में होगी, नीचे नहीं आएगी। हर कदम स्वमान का होगा तो स्वमान को देखने से ही सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है।
स्वमान ही उनका सिंहासन होगा। भविष्य सिंहासन के पहले स्वमान के सिंहासन पर सदा कायम होगी, सिंहासन से नीचे नहीं आएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1979। अगला टॉपिक है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य है। चाहे नंबर वार पुरुषार्थी है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। अब तक भी भक्त लोग आप नंबर वार देवता जन्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना, देह अभिमान में नहीं आना। स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी, मायाजी या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान ही हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे, दाता अथवा रहमदिल। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आएंगे। या रहम होता है या रोग होता है। यह ऐसा क्यों? ऐसा करना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए? ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता स्वमान वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, न कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पावेंगे। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, रोग का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। बाप दादा हरेक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1979। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने स्वमान को कभी भूलता है क्या, तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले ऐसे हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1980।
अगला टॉपिक है स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो व प्यादा हो, छोटा सितारा हो व बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना। बाप को बड़े बड़े शास्त्रों की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान की अथॉरिटी, राज्य की अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स की अथॉरिटी उन्होंने नहीं जाना, लेकिन आप सब ने जाना। वे अब तक आवाहन ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपने इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत नहीं है, अपने ही कार्य में मगन है। राज्य की अथॉरिटीज अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है, फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी है कि कहां हमारा धर्म प्राय लोप न हो जाए, इसी हमारे में खूब बिजी है। लेकिन आप सब आवाहन के बदले मिलन मनाने वाले हो। यह विशेषता व महानता सभी की है। ऐसे तो नहीं समझते हो हमारे में क्या विशेषता है व हमारे में तो कोई गुण नहीं है। यह तो भक्तों के बोल है कि हमारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना, तो हरेक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है जो वह भिखारी नहीं हो सकता, ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा फैला नहीं सकता। तो सभी गुणवान हैं, महान हैं, विशेष आत्माएं हैं, चैतन्य सारा मंडल का श्रृंगार हो, तो समझा आप सब कौन हो। निर्बल नहीं हो, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता है, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई है, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर ले, फलाने फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगने ही हैं। तो ऐसे बाहर से दिखावटी धोखा देने वाली अभिमान की सोच पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। स्वमान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की उसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रही थी, ऐसे फॉलो फादर अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1981। अगला टॉपिक है स्वमान में स्थित होने से सहज वरदानी स्वरूप की प्राप्ति। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है।
तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई, पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराए की चीज को क्यों अपनाते हैं? पराई चीज अच्छी लगती है, अपनी चीज पर नशा होता है। तो सदा स्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है, बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे दे अभिमान आ नहीं सकता, समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1982। अगला टॉपिक है स्वमान के आसन पर बैठने से सहज ही माया जीत। सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो? पुण्य आत्मा है, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर अनुभव करते हो? कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना। तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दी है, उसे पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है, उस पर बैठने वाले सहज ही मायाजीत हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला टॉपिक है स्वमान अर्थात अपने उच्च भाग्य की स्मृति। बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली है, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हैं, फिर भी कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार नहीं होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिकर बादशाह हो। माया जी, प्रकृति जी, स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में
अतेंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हों। रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हों। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हों। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न गुण के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है। नौ लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। 36 प्रकार के भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेका अनेक है, स्वमान वाले कोटों में कोई है। आप कौन हो, अनेकों में हो व कोटों में कोई वालों में हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना उन्हों को बाप दादा कौन से समझ वाले बच्चे कहे। पाए हुए भाग्य को मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अप्रैल 1984। अगला टॉपिक है स्वमान और निर्माण भाव का बैलेंस से देह अभिमान समाप्त। जितना सेवा में स्वमान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा, ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा की यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं स्वमान, लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए। वाह बाबा, आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। यह मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मई 1984। अगला टॉपिक है स्वमान स्वरूप याद ही सेफ्टी का साधन। समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अभी याद की शक्ति
और तीव्र गति से बढ़ा। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या क्यों, तू मैं तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा में झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे स्वमान न भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज्यादा। नाम की सेवा नहीं लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है ना। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्वशस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार और वार, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं ही से ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1984। अगला टॉपिक है स्वमान अर्थात अपने महत्व को, मूल्य को जानना। बाप दादा बहु दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं अर्थात पालना करते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हैं। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हैं। तो समझा कितने अमूल्य हो? हरेक रत्न का कितना मूल्य है? तो आज रत्नागर बाप हरेक रत्न के मूल्य को देख रहे थे। सारी दुनिया की अक्षौणी आत्माएं एक तरफ है, लेकिन आप पांच पांडव अक्षौणी से शक्तिशाली हो। अक्षौणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने आप को भूलते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो। लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो। बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं, यह है समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती, फिर मैंपन आ जाता है। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान, विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं, न यह सोचो कि मैं कुछ नहीं, न यह समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ। दोनों ही रॉन्ग है। मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं है। जहाँ बाप का नाम है
वहाँ पाप का नाम निशान नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप का नाम निशान नहीं है। तो समझा अपने मूल्य को, भगवान की दृष्टि के पात्र बने हैं, साधारण बात नहीं, पालना के पात्र बने हैं, अविनाशी पवित्रता के जन्मसिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हैं। इसलिए जन्मसिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्होंने को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती, जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती वह डगमग ज्यादा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्मसिद्ध अधिकार है तो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वह किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहां माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति के संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी, अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ? यह हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हैं, यह वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया, पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहां से आई, यहां से आई, वहां से आई, आने नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई, यह वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा आ भी गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों, ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई। क्यों आई, ऐसे आई, वैसे आई, यह नहीं सोचो। फिर सोचते हैं, क्या माया का ऐसा रूप होता है, लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं, इसमें नहीं जाओ। घबराते क्यों हो, पार कर लो, पास विद ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है, जल्दी में घबराओ नहीं। चीटी भी आ जाती तो घबरा जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, फिर वह घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे, खड़े होकर सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए, यह सोचेंगे व किनारा कर चले जाएंगे। ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने न दें, अंश के रूप में ही समाप्त कर दें। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हैं, और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते हैं, यह रत्न रत्नों से खेलने वाली मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं, रत्न हो रत्नों से खेलो। बाप दादा ने कितने लाड़ प्यार से पाला है, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे, फिर मैले होकर कहते अभी साफ करो, साफ करो, घबरा भी जाते हैं, अभी क्या करूं, कैसे करूं, मिट्टी से खेलते ही क्यों हूं। वह भी कण जो धरनी में पड़े रहने वाले, तो सदा अपने मूल्य को जानो।
अव्यक्तवाणी की डेट है 2 मार्च 1985। अगला टॉपिक है स्वमान में रहने से कमजोर स्वभाव की सहज ही विदाई। कोई भी किसी आधार में स्वभाव नहीं बनाना। जो बाप का स्वभाव वह बच्चों का स्वभाव। बाप का स्वभाव क्या है? सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव। हरेक को ऊंचा उठाने का स्वभाव। मधुरता का स्वभाव। निर्माणता का स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है यह कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है। मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के कारण हो जाता है यह माया है। कईयों का अभिमान का स्वभाव, ईर्ष्या का, आवेश में आने का स्वभाव होता है। दिल सिकस्त होने का स्वभाव होता है। अच्छा होते भी अपने को अच्छा नहीं समझते। सदैव अपने को कमजोर ही समझेंगे। मैं आगे जा नहीं सकती, कर नहीं सकती। यह दिल सिकस्त स्वभाव यह भी रॉन्ग है। अभिमान में नहीं आओ लेकिन स्वमान में रहो तो इसी प्रकार के स्वभाव को कहा जाता है कमजोर स्वभाव। तो तीनों बातों का अटेंशन सारा वर्ष रखना। इन तीनों बातों से सेफ रहना है। मुश्किल तो नहीं है ना? साथी आदि से अंत तक सहयोगी साथी है। साथी तो समान चाहिए ना? अगर साथियों में समानता नहीं होगी तो साथी प्रीत की रीति निभा नहीं सकते। अच्छा, यह तो तीन बातें अटेंशन में रखेंगे, लेकिन इन तीन बातों से सदा किनारा करने के लिए और तीन बातें याद रखनी है। आज तीन का पाठ पढ़ा रहे हैं। सदा अपने जीवन में एक बैलेंस रखना है। सब बात में बैलेंस हो, याद में, सेवा में बैलेंस। स्वमान अभिमान को समाप्त करता। स्वमान में स्थित रहना। यह सब बातें स्मृति में रहें। ज्यादा रमणीक भी नहीं, ज्यादा गंभीर भी नहीं। बैलेंस हो। समय पर रमणीक, समय पर गंभीर। तो एक है बैलेंस। दूसरा, सदा अमृत वेले बाप से विशेष ब्लेसिंग लेनी है। रोज अमृत वेले बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। उससे जितना लेने चाहो उतना ले सकते हो। तो बैलेंस, ब्लेसिंग, तीसरा ब्लिसफुल लाइफ। तीनों बातें स्मृति में रहने से वह तीनों बातें जो अटेंशन देने की है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 मार्च 1985। अगला टॉपिक है स्वमान में रह हर आत्मा को सम्मान दो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने आप तो मान सकते हो ना? वह पत्थर फेंके आप रत्न दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो। भिखारी नहीं हो, जो सोचो वह दे तब दू। वह भिखारी के संस्कार है। दादा के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारी बनना, इसमें निष्काम योगी बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 फरवरी 1986।
अगला टॉपिक है स्वमान के तख्तनशीन अर्थात विश्व कल्याणकारी निष्काम सेवाधारी। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है, कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का सो दिखाते हैं, उनका नाम ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी मूरत में और सूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया, भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी पर के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है, वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। सभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्यों में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो, सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है, जैसे सच्चा हीरा कभी चमक छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी है, अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी गण सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम ही नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण की अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं,
वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना? हद के संकल्प से परे होकर बेहद की सेवाधारी बन, बाप के दिल तक के नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युक्त की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना? बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है, सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना? बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होती ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 1986। अगला टॉपिक है वमान अर्थात डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्राप्त परम टाइटल। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन ही है सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं, वा यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरे हुए है। अगर किसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्वशक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगे। तो वरदान को वावरसे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में चित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थता का सुख ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। अगला टॉपिक है स्वमान लेने और स्वमान देने की विधि। स्व उन्नति के प्रति, स्व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रूहान में बता रहे थे। आपस में यह स्लोगन एक दो में कहते भी हो हर कार्य में। पहले आप यह स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप पहले मैं दोनों आवश्यक है, लेकिन बाप दादा रूह रूहान करते मुस्कुरा रहे थे।
जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप कर देते, जहाँ पहले आप करना चाहिए वहाँ पहले मैं कर देते, बदले कर देते हैं। जब कोई स्वपरिवर्तन की बात आ जाए तो कहते हो पहले आप, यह बदले तो मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहाँ पहले आप कहना चाहिए वहाँ मैं कह देते। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को स्वमान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो यह नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, इसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की न अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, उसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्व उन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना ना, अर्थात नंबर वन आत्मा, नंबर वन का सुनाया नंबर वन डिवीजन, वैसे नंबर वन तो एक ही होगा ना। तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है अर्थात वन हो जाता। तो यह चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना। तो आज इन बातों को चेक करना, आपके बजाय मैं और मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो, इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहाँ यथार्थ विधि है वहाँ सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, दो बातों की चेकिंग करना, न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की। जहाँ यह दोनों की अप्राप्ति है वहाँ ही समान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वमान की प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा, हर कार्य में बच्चों को आगे रखा। और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो विधि में, स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रही थी। समझा? तो बदली नहीं कर देना। यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति
परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनों और श्रद्धा मृत्यु रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 दिसंबर 1987। अगला टॉपिक है स्वमानधारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। स्वयं को स्वराज्य अधिकारी राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो? स्वराज्य मिला है व मिलना है? स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी आत्मा सदा ही स्वराज्य की अधिकारी होने के कारण शक्तिशाली है। राजा अर्थात शक्तिशाली। अगर राजा हो और निर्बल हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा? प्रजा उनके ऊपर और ही राज्य करेगी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्मेंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। नहीं तो प्रजा राजा को चलाएगी। प्रजा राजा को चलाए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। नियम प्रमाण राजा प्रजा को चलाता है। अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहेंगे, प्रजा का प्रजा पर राज्य कहेंगे। किंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं सिखाता है। तो सभी राज्य अधिकारी होना, कभी अधीन कभी अधिकारी, ऐसे तो नहीं। सदा अधिकारी एक भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, इसको कहते हैं राजयोगी व राज्य अधिकारी। तो सदा इस स्वमान में स्थित रहो कि हम अधिकारी है, अधीन होने वाले नहीं। यह है ईश्वरीय नशा। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 दिसंबर 1987। ओम शांति।